था ये जो भाई था इनका बड़े वाला सोनू सोनू जो का मतलब कैसे मार दिया था या एक्सीडेंट हो गया था उसका एक्सीडेंट हो गया था एक्सीडेंट उसके बाद बॉडी आई थी वहाँ ऐसी मतलब तो रात कितने बजे मतलब सोए हो आप लोग इन्हें कितने बजे तक देखा कितने बजे रात को नौ बजे दूध देने आई थी तक तो सही थे पापा मम्मी ने बात से अच्छा ये जो तस्वीर आपने देखी इस तस्वीर को देख के आपको क्या लगता है जिस तरह ये महिला रो रही है तो ऐसा लगता है कि घर के अंदर कोई ट्रेजेडी हो गई है जिसके गम में जिससे परेशान हो के जिसको बहुत दुख हो गया है और वो दुख जो है वो आंसुओं के ज़रिए बह रहा है यही लगेगा अमूमन जो समाज के अंदर कोई भी इंसान इस औरत को देखेगा दरअसल कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं ये वो औरत है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास ससुर की हत्या करवा दी राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र गोकलपुरी की एक घटना है जहां पर एक परिवार रह रहा था और इस परिवार की जो बहू थी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उस अफेयर के चलते इसकी सास को इसके ऊपर शक हो गया था साथ ही घर को आधा बेचने की प्लानिंग हो गई थी तो इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सास ससुर को खत्म करवा दिया नमस्कार मैं मुंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका अमूमन हमने यह देखा है कि समाज के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं आपराधिक चाहे वो मर्डर हो या फिर किडनैपिंग अधिकतर मामलों के अंदर कोई आरोपी जो होता है वो अपनी पहचान का ही निकलता है दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला जिसमें गोकलपुरी एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक परिवार रह रहा था उस परिवार से अचानक पुलिस के पास एक कॉल जाता है जिसमें पुलिस को यह बताया जाता है कि हमारे घर में दो लोगों की हत्या हो गई है पुलिस मौके पर पहुंचती है पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि दो डेड बॉडी खून से लथपथ, जिनका गला रेता जा चुका है वो घर के अंदर पड़ी है पुलिस डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है और अपनी तफ्तीश शुरू करती है तफ्तीश के दौरान जो बातचीत होती है और जो जानकारी प्राप्त होती है मृतक के बेटे ने जानकारी पुलिस को दी कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपनी पत्नी और अपने छह साल के बच्चे के साथ रहता हूं और मेरे माँ बाप जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे घर से साढ़े चार लाख रुपए और अन्य सामान गायब पाया जाता है जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस चेक करी जाती हैं और मोबाइल और तमाम जो डिजिटल तरह से और टेक्निकल तरह से पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है दस तारीख की यह घटना है और दस की ही रात को तकरीबन सवा दो बजे पुलिस चेक करती है जब सीसीटीवी तो यह सुराख मिलता है कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से इस घर पे रात को सवा दो बजे घुसे हैं जिसके बाद पुलिस पूछताछ करती है घर के लोगों से और खास तौर पे जब बहू से पूछताछ करी जाती है तो वो अपने स्टेटमेंट फ्रिक्वेंटली बदलती है जिसपे पुलिस को शक होता है और बातचीत के माध्यम से बहू से तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं जिसके बाद बहू ये राज खोलती है कि उसका एक प्रेमी है जिससे वो अमूमन मिलती रहती है और जब ये घर आधा बेचने की बात करी और एडवांस पाँच लाख रुपए जो आए और सास को शक हो गया था इस तमाम चीज़ों के चलते बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिल के एक प्लान बनाया जिसके तहत वो जो अमाउंट आया था एडवांस का वो चोरी करना था और सास ससुर को अपने रास्ते से हटा देना था इस पूरे षडयंत्र के लिए जो बहु का प्रेमी है उसने दो सिम कार्ड भी खरीदे जिसके द्वारा फोन पर ये छुप गए थे जब सब सो गए थे तो ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे गए और सास ससुर का इन्होंने गला रेत दिया और पैसा जो रखा हुआ था वो चोरी कर अन्य सामान चोरी कर चले गए उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी तो इस लेडी को पुलिस ने तीस वर्षीय जो बहू थी उस घर की उसको हिरासत में लिया है वह दो अन्य जो उसका प्रेमी है आशीष भार्गव और उसका सहयोगी जो उसके साथ कत्ल करने में शामिल था विकास मावी उन दोनों की तलाश पुलिस कर रही है और बहू जो है वो सलाखों के पीछे है तो इस तरह की घटनाएं भी समाज के अंदर देखने को मिलती हैं जहां बहू समाज के सामने इस तरह का ढोंग कर रही थी कि किस कद्र उसको अफसोस हो रहा है और दिक्कत परेशानी से वो झेल रही है समाज में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो चेहरा बहु का समाज में दिख रहा है उसके पलट जो चेहरा है वो ये होगा तो इस घटना पे आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटनाएं अगर आपके आसपास हुई हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट द्वारा हमसे शेयर कर सकते हैं अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे नमस्कार सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बने रहें हमारे साथ